सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खामोशी पर मत जाओ दोस्तों, राग के नीचे अक्सर दाग दबी होती है। साथ निभाने वाले हालात नहीं देखा करते। कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। तेरे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर मथुरा काशी है। आज का पंचांग 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, सम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 8:48 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:28 से 2:03 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 25 अगस्त 2021 दिन बुधवार, आज आप थोड़े से अभिमान में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर सोचेंगे और काम करेंगे। इसी के कारण आप किसी बड़े अधिकारी से बात करते हुए आंखें नहीं मिला पाएंगे। यह अच्छा होगा या बुरा यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने दिमाग की सुने व्यवहारिक कुशलता का परिचय दें। आज दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही उत्तम बनेंगी, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधित रूपरेखा बना लें। उत्तम समय का सदुपयोग करें। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधित कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। जिस व्यक्ति के द्वारा आपको प्रेरणा प्राप्त हो रही है उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहकर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। पैसों से संबंधित बातों का आपका अंदाजा सही होने के कारण आप खुद के जीवन के साथ दूसरों को भी आर्थिक निवेश से संबंधित जानकारी और योग्य सुझाव दे पाएंगी। जो लोग नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें शुरुआत में मिलने वाले अवसर के साथ समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी काबिलियत को जल्दी ही काम की जगह नवाजा जाएगा। रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखने के लिए फिलहाल पार्टनर की इच्छा पर ध्यान देना होगा। कमर में जकड़न महसूस हो सकती है। योगाभ्यास को जीवन शैली का भाग बनाए। सावधानियां, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में ना पड़ने दें। जरा से लापरवाही से नुकसान हो सकता है। असमंजस्य की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह देने में हिचक ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशी तथा चहल पहल भरा माहौल रहेगा। किसी मांगलिक कार्य संबंधित तैयारियां जोर शोर से होगी। इस समय यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंध को निष्पक्ष होकर जांचें। क्या आप इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? इस समय आपको अपने पार्टनर की बजाय अपनी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए और उस उलझन को दूर कर लेना चाहिए जो आपको सामान्य रूप से कई बार महसूस होती है। अब आपको फैसले कर लेना चाहिए कि आप अपनी संबंध को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बात करते हैं करियर की। आप अपने समकक्षों के साथ भागीदारी प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं और आज आपकी यात्रा एक संतोषजनक स्थिति पर प्राप्त होगी। आप उस पुरस्कार राशि के लाभार्थी हो सकते हैं जो साझेदारी का नतीजा है। आपका एक करीबी सहयोगी आपको अपना समर्थन देने के लिए विशेष शब्द के साथ आपको सम्मानित कर सकता है। ग्रह स्थिति अनुकूल है। सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। इसमें पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखें। पेमेंट भी समय पर मिलने से आर्थिक पक्ष भी सुधरेगा। ऑफिस में भी सहयोगियों के बीच आपसे सामंजस्य बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा भाग दौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें। अच्छी सेहत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है,
इसमें फिटनेस कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार चलें और आपकी सेहत उसी से अच्छी रहेगी। शरीर को रिलैक्स करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आपको अपनी लक्ष्य को सच करने के लिए अपने सपनों की जिंदगी बिताने की जरूरत है। अगर आप सेहत अच्छी रखेंगे तो भी आपको इसका मौका मिल पाएगा। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।